एट लास्ट मंकी किंग का फ्लॉलेस सेट मैंने परचेस कर लिया। ये मंकी किंग का एक एपिक वेपन है। तो ये जो फ्लॉलेस सेट है ना, इसका काम क्या है, इज इट वर्थ और नॉट, ये मैंने जानने का कोशिश किया। इसके ऊपर बहुत ही छोटा आज का वीडियो है। ये देखो, ये है फ्लॉलेस सेट जिसका 10% डिफेंस है, 5% एजिंग पावर है। तो क्या बोल रहा है फ्लॉलेस सेट? फ्लॉलेस सेट बोल रहा है द जेट पिलर मेक्स मंकी किंग इनवल्नरेबल व्हाइल परफॉर्मिंग द जिंगू टेक्निक। और ये जिंगू टेक्निक क्या है? जिंगू पावर जब फुल रहता है तब हम लोग क्या कर सकते हैं, दो चीज कर सकते हैं। एक होता है वो जिंगू स्विंग जो रोटेट करता है, और जिंगू के ऊपर खड़ा होकर जो जंप करता है ना, उसको कहता है जिंगू डिसेंशन। और ये तो नॉर्मल वेपन पे भी होता है, लेकिन इस वेपन पे इनवल्नरेबल हो जाता है। वो कैसे होता है भाई, चलो देखते हैं ये काम का चीज है या फिर नहीं है। आप लोग देख रहे हैं टीटी गेमिंग 007। चलो शुरू करते हैं। जो बंदा फर्स्ट आ रहा है, इसका नाम है ए ए ए ए ए, मतलब इतना ए क्यू है मेरे को पता नहीं, लिंक लेके आ गया है, रैंक 22 का लिंक है ये। तो चलो गेम शुरू हो चुका है। ओके ठीक है, ये अपार्ट कनेक्ट स्पिनिंग नहीं हुआ, मैं हर टाइम कैंसिल करने का कोशिश करूंगा। ओके चलो, ये ग्रैब किया, अभी इसके ऊपर खड़ा होगा, ये एक हेवनली अटैक। तो चलो, मेरा जिंगू पावर अभी फुल है, क्या मैं ले पाऊंगा, कोशिश करते हैं। उसका भी शैडो पावर फुल है अभी, और ये देखो, ये कनेक्ट नहीं हुआ क्योंकि ओपोनेंट पहले से प्रिपेयर था कि मैं ले रहा हूँ, इसलिए ये नहीं कनेक्ट हुआ। ऐसे 90% टाइम में होता है, लेकिन फ्लॉलेस जेट क्या करता है, चलो देखते हैं डिफरेंट क्या है भाई। चलो वो तो शैडो ले रहा है, मेरा डैमेज हो रहा है, अभी मेरा फिर से आ चुका है, और ये भी कनेक्ट नहीं हुआ। देखा, ये जिंगू स्विंग किया मैंने, जिंगू स्विंग भी कनेक्ट नहीं हुआ। मतलब अगर वो प्रिपेयर रहेगा, अगर वो अटैक नहीं कर रहा है इसी टाइम पे, अगर आप लोग कर रहे हो अटैक, मतलब जिंगू पावर यूज कर रहा है उसी टाइम पे, वो लोग आसानी से डॉच कर सकता है। ठीक है, ये दिमाग में, ये देखो, ये फिर से डॉच कर रहा है, बैक टू बैक ये डॉच कर रहा है। लेकिन फ्लॉलेस जेट का एक अलग टर्म है जो इनवल्नरेबल स्टेट कर देता है। कैसे करता है मालूम है? चलो देखते हैं नेक्स्ट राउंड में, देखते हैं। इस राउंड में मैं तो हारने वाला हूं, और मैं हार गया। आप लोग देख रहे हो टीटी गेमिंग 007। आज का गेम प्ले पूरा देख लो, अगर हेल्पफुल लगे तब लाइक या सब्सक्राइब जो मर्जी कर देना। तो चलो राउंड टू शुरू हो रहा है। एक्चुअली एक चीज दिमाग में रखना, वो जो शैडो लॉर्ड टैलेंट है ना मार्कस का, उसमें क्या है, उसमें है इनवल्नरेबल स्टेट कैसे कम करते हैं। जब ओपोनेंट अटैक करेगा उसी टाइम पे ये फ्लॉलेस जेट या फिर वो जो शैडो लॉर्ड मार्कस का उसी टाइम यूज करना। कैसे होता है ये, चलो इस राउंड में मैं कोशिश करता हूँ। इसका भाई साहब, इसका फिर से शैडो पावर फुल। ओके, ये कनेक्ट नहीं हुआ इसका, और ये भी कनेक्ट हो गया। भाई बंदा बहुत स्मार्ट है, रैंक 22 का बंदा है, इसलिए चलो मेरा जिंगू पावर अभी फुल है। ओके ठीक है, ओके बहुत अच्छा, ये बंदा मतलब कुछ डिफरेंट टाइप खेल रहा है। ओके चलो, मैंने इसको ग्रैप किया, ग्रैप करने के बाद ये अपर अटैक, और ये भी कनेक्ट नहीं हुआ। अभी मैं जिंगू पावर लेने वाला हूँ, ये भी शैडो लेने वाला है मेरे ख्याल से। देखो, ये डॉच कर लिया इसने, ठीक है, नहीं हुआ। मतलब बहुत कम टाइम में होता है जो अगर बंदा बहुत स्मार्ट होता है। तो चलो मैं देखता हूँ क्या करता है ये। ओके चलो, मैंने इसको ग्रैप किया, और ये कनेक्ट, थोड़ा सा हेल्थ इसका बाकी है। ओके ओके, मेरा जिंगू पावर फुल है अभी, और इसका शैडो फुल होने वाला है, और इसका शैडो फुल हो चुका है। ओ शिट, इसके बाद ये खत्म हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी राउंड 3 है। अभी भी मैंने ये फ्लॉलेस जेट का जो असली काम है ये मैंने नहीं दिखाया। अभी राउंड 3 पे क्या होता है देखो। ओके, ये भी रेडी, मैं भी रेडी, चलो शुरू करते हैं। ओके, मेरा स्पिनिंग कनेक्ट नहीं हुआ, पैर कनेक्ट हो रहा है। चलो इसको फटाफट अभी खत्म करते हैं, इसको मैंने ऑलमोस्ट 80% प्रेडिक्ट कर चुका हूँ मैं। चलो फिर से इसको मैंने ग्रैब किया, और इसके साथ ये अपर अटैक, इसका शैडो फुल है, और ये हेवनली अटैक कनेक्ट। और अभी देखो ये काम होता है फ्लॉलेस जेट का। देखा, मतलब कम नहीं हुआ उसका, जब वो अटैक कर रहा है तब फ्लॉलेस जेट काम करता है। सो पहले अटैक मत करो, अगर पहले अटैक करोगे तो बंदा प्रेडिक्ट कर सकता है, इसलिए वो जब अटैक कर रहा है तब अटैक करो, 100% कनेक्ट होता है।
और फ्लॉलेस स्टेट का एट्रीब्यूट में बोला है वो जिंगू टेक्निक पे ही काम करता है, मतलब जिंगू स्विंग या फिर डिसेंशन, तो ये दोनों चीज में काम करता है। मेरे ख्याल से जिंगू स्विंग लेना सेफ है, मतलब जो वो राउंड करता है ना, स्विंग करता है, वो लेना सेफ है। तो अभी एक बंदा है 13-13 पे केड लेकर आ रहा है, 822 रैंक 21 का ये बंदा है। चलो इसके साथ मैंने फिर से अप्लाई किया और ये दो मैच अनकट है, बीच में कोई कट नहीं है। आप लोग देख रहे हो टीटी गेमिंग 007, चलो शुरू करते हैं ये मैच। और ये केड बहुत हेल्थ ले लेता है, इसलिए बहुत सावधानी से मेरे को खेलना पड़ेगा इसके साथ। ओके ये नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। ओके अच्छा लोअर कनेक्ट किया इसने, ओके स्पिनिंग किया, फिर से लोअर किया, चलो मैंने ये कनेक्ट नहीं, फिर से लोअर किया, ये कुछ ज्यादा लोअर कर रहा है। और ये देखो इसी टाइम पे ना वो जंप किया, इसलिए कनेक्ट नहीं हुआ। अगर वो मेरे को अटैक करता ना 100% कनेक्ट हो जाता। चलो इसके साथ ये कनेक्ट नहीं हुआ क्योंकि मेरा हेवी अटैक ऊपर से निकल गया। ओके चलो थोड़ा सा हेल्थ मेरा बाकी है, फिर से स्पिनिंग, मतलब ये थोड़ा थोड़ा स्पैमिंग कर रहा है मेरे को लग रहा है, आप लोग ही बताओ। ओके फिर से मेरा जिंगू पावरफुल है, देखा मेरे को स्टार्ट करने नहीं दिया। अगर आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, ये जिंगू स्विंग लेने का मैं कोशिश कर रहा था, मैंने स्टार्ट नहीं किया इसलिए ये कनेक्ट हो गया। मतलब अगर आप स्टार्ट कर दोगे, मतलब जिंगू स्विंग स्टार्ट हो गया उसी टाइम पे अगर कोई मारने जाएगा तो वो कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब मेरे को लग रहा है ये जिंगू स्विंग वाला जो केस है इसको थोड़ा बफ करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ये थोड़ा वीक है, इसको निकी को थोड़ा देखना पड़ेगा। चलो मैं इसको ग्रैब किया, इसके साथ ये कनेक्ट अटैक, हेवनली अटैक। ओके फिर से इसको मैंने ग्रैब किया, अब ये बहुत ज़्यादा जाम कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न से खेल रहा है। ओके पैर कनेक्ट नहीं हुआ, फिर से लोअर किया इसने, इसका शैडो वार फूल है अभी, और ये कनेक्ट नहीं हुआ, देखा ऊपर से निकल गया, मतलब मैंने पहले कर दिया, फिर से पहले कर दिया, ठीक है मेरे को पूरा राइट टाइम पे करना पड़ेगा। चलो मैंने इसको ग्रैब किया और इसके साथ ये हेवनली अटैक कनेक्ट, इसका शैडो वार फुल है अभी, ओ ओ ओ नहीं हुआ। चलो फिर से इसको ग्रैब किया और मेरा जिंगू पावर अभी फुल है, और ये कनेक्ट हो गया है क्योंकि वो अटैक स्टार्ट कर चुका था। और इसके साथ ओ शिट मैंने ये क्यू किया यार, क्यू किया, ठीक है चलो कोई बात नहीं अभी भी हेल्थ है। ओके और ये पैर कनेक्ट मेरा, और थोड़ा सा हेल्थ इसका बाकी है, और ये खत्म। मैच अच्छा लग रहा है लेकिन ये थोड़ा थोड़ा स्पैम कर रहा है ये बंदा मेरे को लग रहा है। अगर थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है मेरा गेम प्ले, दिल से सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। अभी देखो मैं कैसे फ्लॉलेस सेट को काम करता हूँ, क्योंकि फ्लॉलेस सेट ना ऐसा एक वेपन है जिसको बहुत ध्यान से काम करना पड़ता है, मतलब चलाना पड़ता है, नहीं तो नहीं होता फ्लॉलेस सेट, जिसलिए एपिक है वेपन, जिसलिए मैं 2000 जेम्स देके इसको परचेस किया इवेंट स्टोर से, बहुत बंदों को इसको फ्री में मिल गया। ओके चलो कोई बात नहीं, चलो मैंने इसको ग्रैब किया, ग्रैब करने के बाद ये अपर, और अभी ये शैडो लेगा, और इसी टाइम पे कनेक्ट, ये होता है फ्लॉलेस जेट का कमाल। और इसके साथ ये हेवनली अटैक कनेक्ट, और ये हेवी नहीं हुआ, और पैर कनेक्ट, थोड़ा सा हेल्थ इसका बाकी है। ओके ये भी कैंसिल कर रहा है। ओके चलो लोअर पैर कनेक्ट और स्पिनिंग कनेक्ट, सब डिफरेंट डिफरेंट मूव कर रहा हूँ। इसके साथ ये खत्म, गुड गेम मैंने लिखा, और ये जाने से पहले की फाइटिंग देखे गया, मतलब ऐसे ही होता है जो हारता है उसको लगता है फाइट नहीं किया अपने ने। आप लोग देख रहे थे टीटी गेमिंग 07, देखते रहो, फिर से एक दिन में गेम पे आ जाएगा, देखते रहो टीटी गेमिंग 07, खुश रहो, मैं कोशिश करूंगा डिफरेंट डिफरेंट वेपन के ऊपर ऐसे वीडियो बनाने का।